नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बी एस ट्रिकी क्लासेस में चार बज चुका है और जैसा कि आपको पता है डेली हम लोग रोज़ चार बजे आप लोगों का एस एस सी का पेपर आप लोगों को कराने वाले हैं तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है सुबह साढ़े ग्यारह बजे से लेकर रात में दस बजे तक हम आपको टोटल क्लास कराते हैं मंडे हॉलीडे रहता है ये आप लोगों को सारी क्लास का टाइम यहाँ पर दिया गया है तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आज का पहला सवाल तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर एस एस सी सी जी एल दो हज़ार बाईस के एग्ज़ाम के लिए ये पेपर जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक दिसंबर से शुरू होने जा रहा है सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि एस एस सी सी जी एल का जो आप लोगों का पेपर है ये आपका एक दिसंबर दो हज़ार बाईस से शुरू होने वाला है और यकीन मानना दोस्तों ऐसा पेपर आएगा तो क्या कर पाएंगे आप मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को अगर मान लीजिए दोस्तों ऐसा पेपर आपके पेपर में आ गया अगर यही सेम पेपर अगर आपके एग्जाम में आ गया तो क्या कर पाओगे क्या कर लोगे आप डे सात है चार बज चुका है चार बजे क्लास चलती है जैसा कि आ, आप सभी को पता है इस क्लास में क्या क्या होने वाला है मैं पहले ही बता दे रहा हूं इस क्लास में टोटल आप लोगों की मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश ऑल ओवर सब कुछ होने वाला है ऐसे ही आपकी रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक आपकी वन आ सकती है अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतर है अगर आपने प्रैक्टिस की है अच्छे चैनल से तो आपकी ऑल इंडिया रैंक वन आ सकती है क्या पढ़ें, क्या करें आइए देखते हैं तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है आपको क्या बताना है देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने देखिए अगर आप इसको खाली बॉक्स को देख लें यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूं कुछ अलग चीज मैं कुछ और आपको दिखाना चाह रहा हूं आप देखिए दोस्तों ये एक बॉक्स है जिसमें बीस से लाइन गई है इधर से लाइन गई है इधर से लाइन गई है इधर से लाइन गई है तो बच्चा बच्चा जान गया इस मेथड को पहचान गया मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों बच्चा बच्चा जान गया और हमारी ट्रिक को पहचान गया मैंने आप लोगों को इसमें ट्रिक पढ़ाई है क्या ट्रिक पढ़ाई है जैसे अगर ये एक है ये दो है ये तीन है ये चार है ये पांच छ सात आठ इसमें टोटल कितनी जगह है आठ है तो आपको पता है आठ दुनी कितना होता है आठ दुनी टोटल ट्रेंगल हमारे सोलह हो गए सोलह ट्रेंगल ये हो गए एक मैंने ट्रिक आपको और समझाई थी वो भी बच्चा बच्चा जान गया इस ट्रिक को पहचान गया अगर कोई ट्रेंगल ऐसे है और इसके बीच से लाइन गुजर रही है तो क्या करते हैं भाई लोग एक और दो दो ट्रेंगल है इनको जोड़ देते हैं तीन ट्रेंगल ये हो गए तो सोलह ट्रेंगल ये थे तीन ट्रेंगल और हो गए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल भाई मेरे उन्नीस हो गए तो यदि आपका आंसर उन्नीस आ रहा है तो बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा उन्नीस होगा समझ में आ रहा है ये वाला ये एक हिस्सा निकाला और एक केवल आप इस हिस्से को देखिए इस हिस्से में तीन है और इस पूरे वाले में आपके सोलह हैं तीन ये हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल आपके उन्नीस हो गए मजा आया मजा आया सवाल में कुछ नहीं था बस खाली घोचू की तरह इन्होंने क्या किया इन्होंने बस खाली इस स्क्वायर को जो है डायमंड शेप में ला दिया बस इतना किया बाकी कुछ नहीं किया ठीक है ना तो वही वाला हिसाब है हाउ मच पागल वेरी मच वेरी मच पागल तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है वह विकल्प आकृति चुनिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और आकृति को घुमाना नहीं है यहां पर आपको आकृति को घुमाना नहीं है ये अंटीना ऐसे जा रहा है फिर नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है इधर आ रहा है और ये अंटीना इधर जा रहा है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूंगा ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिखा सकूँ तो ये मेरा अनटीना इधर जा रहा है फिर ये नीचे जा रहा है फिर ये इधर जा रहा है फिर ये इधर जा रहा है ठीक है ना और ये जो है आप लोगों का नीचे जा रहा है तो मेरे प्यारे साथियों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा तो हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्टर राजन समझ गए आप हैं भावनाओं को समझ गए आप चलिए तो मेरे प्यारे साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा अगला सवाल आप न... लोगों के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इस सवाल का आप लोग राइट right आंसर क्या देंगे इसको देखिए कॉलेज पोस्टर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका बोली एक लड़की है एक लड़की की तरफ इशारा हो रहा है कौन इशारा कर रहा है दीपिका कर रही है दीपिका बोली वह मेरी सास सास के इकलौते पुत्र भाई लड़की की जो सास होगी सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए लड़की की जो सास होगी और उसकी सास का इकलौता पुत्र पति होगा उसके पति की भांजी है तो उसके पति की भांजी का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा कि ये लड़की कौन है दोस्तों ये लड़की यहां पर दीपिका की भांजी होगी कौन है लड़की ये? ये लड़की जो है भांजी है दीपिका की तो लड़की की मां दीपिका से कैसे संबंधित होगी तो यहां पर आप देख सकते हो लड़की की जो मां होगी लड़की की जो यहां पर मां होगी ये दीपिका से कैसे संबंधित है तो ये भांजी है तो ये मामी हुई और ये अगर मामी है तो ये इसकी कौन हुई ननद हुई तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ननद हो जाएगा और ऑप्शन दे रखा है आपको भाभी सिस्टर इन लॉ भाभी कह सकते हो आप ननद कह सकते हो तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ भाभी या फिर ननद नंद बोलते ना ननद या नंद तो राइट आंसर आपका भाभी वाला ब्लॉक आएगा ममेरी बहन नहीं है ममेरी बहन नहीं है ठीक है अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए भाई क्लास को शेयर कर दो मेरे देश के वीर सिपाहियों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए जिन दोस्तों ने क्लास को डिसलाइक नहीं किया भाई डिसलाइक कर दो कुछ करो क्लास को शेयर करो एटलीस्ट पांच सौ प्लस लेकर आओ भाई क्लास में पांच सौ प्लस लोग लेकर आओ क्लास में सपोर्ट करो अपनी क्लास को ठीक है अड़सठ तीन तिरसठ तीन सत्तावन नौ पचास पंद्रह बयालीस तेतीस तेतीस अगला स्टेप क्या होगा देखिए सवाल ने बिल्कुल पागल कर दिया है यहां पर तो क्या रखा है आप लोगों को यहां पर आप देख सकते हो अड़सठ से तिरसठ तिरसठ से सत्तावन सत्तावन से पचास से बयालीस बयालीस से तेतीस ये चल रहा है आपका तो अड़सठ तिरसठ सत्तावन पचास बयालीस तैतीस तो अड़सठ से तिरसठ आ रहा है तो पांच कम हुआ तिरसठ से यहां पर सत्तावन कम जा रहा है तो छ कम हुआ सत्तावन से पचास आ रहा है सात कम हुआ पचास से बयालीस आ रहा है आठ कम हुआ बयालीस से 33 आ रहा है नौ कम हुआ ये रहा पहला कॉन्सेप्ट अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर आप लोग समझिए तीन तीन नौ पंद्रह तैतीस अगला स्टेप क्या होगा इसको देखिए दूसरा तरीका मैंने क्या किया आपको तीन दुनी छ किया 6 में से तीन जाएगा तो आपका तीन बचेगा तो अगला स्टेप तीन हो गया फिर मैंने क्या किया दोस्तों यहां पर फिर तीन आ गया दोस्तों तीन दुनी छ किया छ में तीन जोड़ दिया तो मेरा नौ आ गया नौ आ गया फिर मैंने क्या किया दोस्तों यहां पर नौ दूनी अठारह अट्ठारह में तीन कम किया तो ये पंद्रह आ जाएगा सर अक्षर अच्छा देखा देखे नहीं दे रहा अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है अक्षर देखने के लिए थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो ठीक है 360 पिक्सल कर लो जिनको भी क्लियर नहीं दिख रहा है 360 पिक्सल में देखिए पंद्रह हाँ, के बाद क्या करेंगे पंद्रह दुनी तीस और तीस में तीन जोड़ेंगे तो ये तेतीस आ जाएगा और तेतीस दुनी छियासठ छियासठ में तीन कम करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा तिरसठ आ जाएगा समझ में आ रही है भाई बात तो यदि आपका आंसर तिरसठ आ रहा है तो बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा सिक्सटी थ्री अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है किसी विशिष्ट कूट भाषा में लेवर को लिखा जाता है 279, सेवन एक्जेल को लिखा जाता है 321, सौ कॉशियस को कैसे लिखेंगे इसको बताइए लेवर एल ए बी ओ यू आर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको एल ए बी ओ यू आर आपको है एल आता है पंद्रह पर ए आता है एक पर बी आता है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा दोस्तों जो आपके क्या बोलते हैं बॉबल्स हैं बॉबल्स का यहाँ पर क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा एल बारह पर आता है एल का उल्टा ओ होता है ए का उल्टा जेड बी का उल्टा वाई ओ का उल्टा एल यू उफ ये आधा और आर का उल्टा आई ये करा ठीक है ना तो मेरे प्यारे साथियों ओ की वैल्यू कितनी होती है पंद्रह ओ की वैल्यू पंद्रह जेड की वैल्यू छब्बीस वाई की वैल्यू पच्चीस एल की वैल्यू बारह एफ की वैल्यू छः आई की वैल्यू नौ इन सबको जोड़ दिया 93 थ्री आ गया लेकिन हमें टू सेवेंटी नाइन बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों यहां पर कितने टोटल बॉबिल्स हैं बॉबिल्स गिनो एक दो तीन तो मेरे तीन बॉबिल हैं तो तीन से मल्टीप्लाई करा देंगे तीन तिया नौ तीन निम्न सत्ताईस तो ये मेरा आ गया टू सेवन नाइन आ गया अब आपको बताना है कॉसेस का कोड क्या होगा देखिए दोस्तों थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लें इसको नीचे करते हैं तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों सी ए यू टी आई ओ यू एस सी का उल्टा क्या होता है सी का उल्टा होता है एक्स और एक्स की वैल्यू क्या होती है चौबीस ए का जेड जेड की वैल्यू 26 यू का एफ की वैल्यू 6 टी जी टी रोड जी का वैल्यू 7 आई का उल्टा आर आर की वैल्यू 18 लो एल का वैल्यू 12 उफ 6 वैल्यू हंस लो आठ वैल्यू इन सबको जोड़ा 24 26 6 7 18 12 6 आठ इन सबको जोड़ा 107 आ गया कितना आ गया दोस्तों एक आ गया अब बॉबल्स कितने यहाँ पर बॉबल गिनो एक बॉबिल दो बॉबिल तीन बॉबिल चार बॉबिल पांच बॉबिल कितने बॉबिल मिले दोस्तों पांच मिले तो पांच से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पांच सत्ते पैंतीस पांच एकम पांच तो ये आ जाएगा पांच सौ पैंतीस आ जाएगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा फाइव थ्री फाइव ठीक है तो जिनका भी आंसर पांच सौ पैंतीस आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा 535। <clears throat> अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है 21 से आ रहा है छ तिरानवे तो किससे आएगा सात बानवे बताइए मैंने दोस्तों क्या किया छे तिरानवे को डिवाइड किया 21 से 21 तिया तिरसठ इक्कीस त्रेसठ 33, 33 बचा तो दोस्तों किससे हम लोग किस संख्या की मल्टीप्लाई 33 से करें सात सौ बानवे आ जाए तो आप क्या करिए सात सौ बानवे को 33 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी तैतीस दुनी छियासठ छियासठ तैतीस चौक कितना हो जाएगा चार थ बारह चार तिया बारह एक तेरह एक सौ बत्तीस तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर सीजीएल में लंबाई खोजता है सर आफ्ताब के बारे में सुन लिया है अपने पता नहीं क्या कह रहा समझ में नहीं आ रही बात आपकी तो जिनका भी आंसर आ रहा है चौबीस बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा चौबीस आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है आप ये देखो ई के आई पी पी बी टी जेड ई के बाद पांच और के आता है एजोर टी एजोरटी के जे के ग्यारह तो पांच और ग्यारह छ स्टेप छ पांच ग्यारह ठीक है ना पांच छः ग्यारह आई नौ पी सोलह नौ यहां पर आपका दरखा आई और यहां दरखा है आपका पी तो नौ सात सोलह सोलह छह बाईस बीस छह छब्बीस तो यहां पर आपका लॉजिक क्या है ध्यान दीजिएगा अच्छा सीजीएल में लंबाई खोजता आप समझ गया मैं आपकी बात समझ गया सीजीएल में लंबाई का कोई मतलब नहीं है नहीं सुना मैंने कहां टाइम मिलता है आप लोगों को पढ़ाने से कंटेंट बनाने से फुर्सत नहीं मिलती दुनियादारी मैं कहाँ देखूं? तो भैया सबसे अलग आपका बी वाला हो जाएगा यदि आपका आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है अगला सवाल देखिए आपके सामने आपको दिया गया है नीचे चार संख्या नीचे चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए छः चौक चौबीस चौबीस में दो जोड़ा मेरा कितना आ जाएगा छः चौक चौबीस चौबीस में दो जोड़ा मेरा छब्बीस आ जाएगा पाँच तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या करें दोस्तों पाँच चौक बीस बीस में चार जोड़ेंगे तो हमारा चौबीस आ जाएगा आठ चौक बत्तीस बत्तीस में दो जोड़ेंगे तो चौंतीस आ जाएगा सात चौक अट्ठाईस अट्ठाईस में दो जोड़ेंगे तो तीस हो जाएगा तो आपने देखा कि इसमें दो जोड़ रहे हैं इसमें दो जोड़ रहे हैं इसमें दो जोड़ रहे हैं लेकिन इसमें चार जोड़ रहे हैं तो हमारा सबसे अलग क्या हो जाएगा सबसे अलग आपका बी हो जाएगा ठीक है ना तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है गोल्फ खेला जाता है कोर्स में जूडो कहां होता है बेसबॉल साइकिलिंग और रिंग बताइए सही जवाब क्या होगा यहां खेल और खेल का मैदान दे रखा है देखिए जहां गोल्फ खेला जाता है उस मैदान को बोलते हैं कोर्स और जहां साइकिलिंग की जाती है उस मैदान को बोलते हैं बेलोड्रोम जहां साइकिलिंग होती है उस मैदान को बेलोड्रोम बोलते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी अब देखिए पुरुष गीतकार और बहिर्मुखी पुरुष भी गीतकार हो सकते हैं आजकल महिलाएं भी अच्छा गाना गा सकती हैं पुरुष भी बहिर्मुखी हो सकते हैं महिलाएं भी बहिर्मुखी हो सकती हैं बहिर्मुखी गीतकार हो सकते हैं तो ऐसे में तीनों का कोऑर्डिनेशन बन रहा है तीनों का कोऑर्डिनेशन बन रहा है तो हमारा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यदि आपका आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट right है यहां पर आपका पासा नहीं दिया गया इसलिए इसको हटा देंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए गणितीय गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिसमें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण हमारा जो है संतुलित हो जाएगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए डिवाइड यहाँ रख लिया मैंने तो इसका कोई डिवीजन नहीं चल रहा है डिवाइड माइनस ये पहला गलत डिवाइड यहाँ रख लिया ये आप लोगों का हो सकता है तीनों में आपका मल्टीप्लाई है इधर तीनों में आपका मल्टीप्लाई है बस प्लस माइनस बराबर प्लस बराबर माइनस माइनस प्लस बराबर ये चेक करना है चलिए मैं चेक कर लेता हूँ 512 है बटे बत्तीस है इंटू नौ है फिर आगे आपको पता नहीं क्या दे रखा है सौ दे रखा है उसके बाद आपको छः दे रखा है उसके बाद आपको पच्चीस दे रखा है लेकिन सब जगह मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की वैल्यू दो तो है इसे सॉल्व कर लो और इधर सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा आपका इसको काटिए आठ चौक बत्तीस आठ छंग अड़तालीस आठ छड़तालीस ग्यारह में आठ ग्यारह आठ तीन ग्यारह आठ बत्तीस चार से काटा चार एकम चार दो छः चार छक चौबीस सोलह निमा एक सौ चौवालीस आ गया तो एक सौ चौवालीस आ गया यहाँ सौ दे रखा है यहाँ छः दे रखा है यहाँ पता नहीं पच्चीस धुनी पचास बनाना है तो पचास कैसे बनाए दोस्तों अब यहाँ पर आपका अगर मैं दोस्तों यहाँ पर माइनस रखूँ प्लस रखूँ बराबर रखूँ अगर मैं माइनस रखूँ ठीक है ना प्लस रखूं, बराबर रखूं, क्या वैल्यू आ जाएगी देखो भाई 44 में से 100 गया 144 में 100 गया 44 बचेगा और 44 और 6 आपका 50 हो जाएगा तो 50 बराबर 50 दे रखा है तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ वाला मॉक टेस्ट कहां से लगाएं मैं करा रहा हूँ मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस पेपर से मॉक टेस्ट तो रहा हूँ तुम लोग देखना ही नहीं चाहते मैं भी क्या करूँ लेकिन मैं कराऊँगा तुम लोग चाहे पढ़ो या ना पढ़ो काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था इसको बताइए राइट right आंसर हो जाएगा 1925। निम्न में से कौन सा शहर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बना सही जवाब होगा आपका मुंबई और हैदराबाद तो जिनका भी आंसर आ रहा है मुंबई और हैदराबाद बिल्कुल राइट है टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है टेरिस तो खेती जो है आपकी पर्वतीय भूमि पर की जाती है आपका राइट right आंसर हो जाएगा पर्वतीय भूमि पर नेक्स्ट क्वेश्चन द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक कथेतर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है इस पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक हैं आपके शशि थरूर राइट right आंसर आपका हो जाएगा शशि थरूर जनवरी 2021 की स्थिति के मुताबिक निम्न में से कौन सा क्रिकेटर जिंदल साउथ वेस्ट जे स्टील का ब्रांड अंबेसडर बना चलिए बताइए तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत को यहां पर जो है जेएसडब्ल्यू जिंदल साउथ वेस्ट का ब्रांड अंबेसडर बनाया गया तो जिनका भी आंसर ऋषभ पंत आ रहा है बिल्कुल राइट है जनवरी 2021 में निम्न में से किसे दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद टीईपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया सही जवाब हो जाएगा आपका संदीप अग्रवाल यदि आपका आंसर संदीप अग्रवाल आ रहा है तो बिल्कुल राइट है फरवरी 2021 में निम्न में से किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया एल का एमडी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग सिद्धार्थ मोहंती तो यदि आपका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है क्लियर है बात समझ में आ रही है टीईपीसी पी सी का मतलब होता है दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद आप देख पा रहे हैं यहां पर यह आपको दे रखा है यह लिखी तो यहां पर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ठीक है ना टी से टेलीकम्युनिकेशन ई से इक्विपमेंट इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट पी से प्रमोशन और सी फॉर काउंसिल ये इसकी फुल फॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स बनाई गई इसको बताइए तो ये बनाई गई थी आपकी 2014 में राइट right आंसर हो जाएगा 2014। हज़ार चौदह पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आप लोगों के मेरे प्यारे साथियों महात्मा मुझे यहाँ पर डाउट है इसके लेखक हैं हमारे दादा भाई नोरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नोरोजी अगला क्वेश्चन माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है तो यह होता है रमन इफेक्ट के कारण सही जवाब होगा रमन प्रभाव इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा किसे ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेट्स काउंसिल की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया ठीक ना ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया गीता मित्तल को सही जवाब होगा गीता मित्तल किस आर्टिकल में यह उल्लेख किया गया है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा तो यह है आर्टिकल नंबर दो ये यह है दोस्तों आप लोगों का आर्टिकल नंबर दो तो यदि आपका आंसर आर्टिकल दो आ रहा है तो बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है मैथ मैथ में आप लोगों के किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं देखिए यह आपको डेढ़ गुना दे रखा है इसको यहां पर सही कर लीजिए ये लिखा हुआ ठीक है ना तो ए बी और सी तीनों पाइपों द्वारा कोई टंकी चार घंटे में भरी जाती है पाइप सी बी की तुलना में डेढ़ गुना तेज है तो पाइप सी बी की तुलना में डेढ़ गुना तेज है तो ये तीन बटे दो हो गया बी ए की तुलना में तीन गुना तेज है बी जो है ए की तुलना में हमारा तीन गुना तेज है अब देखो बी का मान यहाँ दो है यहाँ पर तीन है तो इसकी मल्टीप्लाई तीन से करा दो इसकी मल्टीप्लाई दो से करा दो तो फाइनल हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा तो ए आ जाएगा दो एकम दो बी आ जाएगा तीन दुनी छः दो तिया छ आ जाएगा सी आ जाएगा तीन तिया नौ आ जाएगा अब तीनों किसी टंकी को चार घंटे में भरते हैं तीनों भरते हैं यहां पर चार घंटे में तीनों की क्षमता है नौ छः पंद्रह दो सत्रह है कौन भरेगा बेचारा अकेले अकेले पाइप ए द्वारा टंकी को भरना है ए की क्षमता दो है दो से डिवाइड कर दो दो दुनी सत्रह दुनी तो अगर अकेले यहां पर एक टंकी चलेगी तो ए को टंकी भरने में मात्र यहां पर चौतीस घंटे का समय लगेगा तो यदि आपका आंसर चौतीस घंटे आ रहा है तो बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा चौंतीस घंटे ठीक है अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए मेरे प्यारे साथियों ए बी सी और डी के बीच किसी निश्चित धनराशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनके हिस्सों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये आपको दे रखा है चार बारह तीस पैंतालीस चार अनुपात बारह अनुपात तीस अनुपात पैंतालीस यहाँ पर ए और डी का अंतर दे रखा है पचपन सौ पैंतीस ये ए है और ये डी है तो 45 माइनस चार इन दोनों का अंतर दे रखा है 55 35, 35. यानी कि आपको दे रखा है 41 41 बराबर दे रखा है 55 35, 35 ठीक है तो आपको बताना है कुल धनराशि कितनी होगी सिंपल सी बात आप लोग निकाल सकते हो टोटल कितना है जोड़ दो 12 4 16 और इधर आ जाएगा चार तीन सात पचहत्तर पचहत्तर और सोलह 6 5 ग्यारह सात दो नौ इक्यानवे आ जाएगा आपको इक्यानवे की वैल्यू बतानी है तो इकतालीस बराबर ये है तो इक्यानवे का मान कितना होगा इक्यानवे की वैल्यू निकालनी है इक्यानवे ऊपर नीचे इकतालीस इन पचपन पैंतीस इसको सॉल्व कर लीजिए इकतालीस कम इकतालीस ठीक है ना पाँच में गया चार ये चौदह तैतालीस आ गया तीन एकम तीन तीन चौक बारह एक सौ तेईस हो गया तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा बारह हजार दो सौ रुपए हमारा यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा बारह हजार दो सौ रुपए तो यदि आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए स्थिर जल में किसी मोटरबोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है आपको मोटरबोट की शांत जल में चाल दे रखी है x बराबर दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आने में यदि राउंड ट्रिप में टोटल 16 घंटे का टाइम लगता है टोटल टाइम दे रखा है सोलह घंटे टोटल टाइम दे रखा है सोलह घंटे का तो नदी के प्रवाह की, की चाल निकालिए आपको वाई का मान निकालना है अब दूरी कितनी है दोस्तों टोटल दूरी है 150। सबसे पहले धारा की दिशा में जा रहा है तो 20 प्लस एक्स लिखेंगे 20 की चार से जा रहा है प्लस धारा के विपरीत अगर आ रहा है तो 20 माइनस एक्स टोटल टाइम लग रहा है 16 घंटे का अब यहाँ से आप एक्स कह रहा है वाई का मान निकालना है वाई का वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ वाई लिखो यहाँ वाई रखो छे रखोगे बीस से छब्बीस डेढ़ सौ छब्बीस कटेगा नहीं हटा दो दोस्को चार रखोगे चौबीस चौबीस डेढ़ सौ बढ़िया नहीं कटेगा आठ रखोगे अट्ठाईस एक सौ पचास नहीं कटेगा लेकिन पांच रखोगे अगर आप दोस्तों वाई का मान मतलब धारा की चाल अगर आप धारा की चाल पांच किलोमीटर प्रति घंटा रखते हो तो यहां से कितना हो जाएगा यहां पर आपको दिखा दें डेढ़ सौ बीस पांच पच्चीस प्लस का डेढ़ सौ बीस में से पांच गया तो पंद्रह हो जाएगा तो पच्चीस छका डेढ़ सौ पंद्रह धाम डेढ़ सौ और छः और दस सोलह घंटे हो जाएगा तो यहां पर जैसे मैंने पांच रखा यहां पर दोस्तों जैसे ही मैंने पाँच रखा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बाई ऑप्शन मेरा आंसर बाई ऑप्शन यहां पर आ जाएगा सोलह घंटे आ जाएगा ठीक है तो यदि आपका आंसर सोलह घंटे आ रहा है तो बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा सोलह घंटे अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है यदि नौ अंक की संख्या ये आपको दे रखी है जो कि बहत्तर से विभाज्य है देखिए कोई भी नंबर अगर बहत्तर से विभाज्य है बहत्तर का मतलब होता है संख्या आठ और नौ से कटनी चाहिए आठ का डिविजिलिटी रूल है लास्ट के तीन डिजिट यदि किसी संख्या के अंतिम तीन डिजिट आठ से कट रहे हैं तो वो संख्या हमारी आठ से कट जाएगी तो आपको दे रखा है अड़तीस बाई आठ चौक बत्तीस आठ में दो गया छे अगर वाई बराबर चार रखोगे तो अट्ठू अट्ठू चौसठ आ जाएगा वाई का मान चार आ गया पहली चीज सॉल्व हो गई दूसरी चीज देखिए वाई का मान चार आ गया अब देखिए दोस्तों आठ और एक नौ कैंसिल कर दिया नौ कैंसिल कर दिया यहां पर फिर चार तीन सात 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 चौदह चौदह छ बीस आठ अट्ठाईस हो गया अट्ठाइस प्लस एक्स नौ से काटने के लिए एक्स में कितना जोड़ेंगे नौ सत्ताईस नौ चौक छत्तीस छत्तीस बनाना है छत्तीस बनाने के लिए आठ में आठ जोड़ेंगे तो छत्तीस आ जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स बराबर आठ हो जाएगा आपको क्या निकालना है आपको इसका मान निकालना है तो अंडर रूट में चार एक्स प्लस का वाई अंडर रूट में चार एक्स तो एक्स कितना आठ है तो आठ चौक बत्तीस और वाई वाई का मान चार है बत्तीस चार छत्तीस छत्तीस का रूट होता है छ तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर आपका छे हो जाएगा। यदि आपका आंसर छे आ रहा है तो बिल्कुल राइट है ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए साइन थीटा साइन थीटा, थीटा माइनस थीटा बराबर पांच दे रखा है तो आपको फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस तीन टू कॉस स्क्वायर प्लस दो इसका मान ज्ञात करना है ओम हम लगाएंगे योग अंतर अनुपात नियम तो जैसे ही योग अंतर अनुपात नियम लगाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा साइन थीटा नीचे आ जाएगा कॉस थीटा ये पांच में एक जुड़ेगा बटे एक है तो पांच में एक जोड़ेंगे छ हो जाएगा पांच में एक घटाएंगे तो चार हो जाएगा तो ये बचेगा तीन बटे दो फाइनल मेरा यहां पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर तीन बटे अब मैं यहां पर चित्र बना ले रहा दोस्तों लंब तीन है आधार दो है तो तीन तिया नौ दो दिन तो ये हमारा कर्ण कितना हो जाएगा कर्ण रूट में तेरा हो जाएगा अब वैल्यू पुट करो फोर यहां रखा है साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये मेरा थीटा है तो लंब है तीन कर्ण है तेरा तो तीन का स्क्वायर नौ रूट तेरह का स्क्वायर तेरह हो जाएगा प्लस तीन दे रखा है बटे टू कॉस स्क्वायर टू लिखा कॉस थीटा का मान हो जाएगा दो का स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो चार बटे हो गया प्लस का दो दे रखा है सॉल्व कर लो तो तेरह तीर उनतालीस नौ चौ छत्तीस छत्तीस प्लस पतालीस हो गया तेरह से तेरह कैंसिल हो गया इधर आपका चार चारुनी आठ हो गया तेरह दुनी छब्बीस हो गया इसको जोड़ना नौ छ पंद्रह तीन तीन छः और एक सात पचहत्तर हो गया इधर आपका आठ छ चौदह दो एक तीन चौंतीस हो गया तो हमारा मेरे प्यारे साथियों सही जवाब क्या हो जाएगा तो प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा पचहत्तर बटे चौतीस ये चौतीस होगा तो राइट right आंसर हमारा क्या हो जाएगा अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सवाल सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 75 फाइव अपॉन थर्टी फोर क्या वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वैल्यू आ जाएगी 75 फाइव अपॉन थर्टी फोर तो यदि आपका आंसर फर्स्ट आ रहा है तो बिल्कुल राइट right है अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए त्रिभुज ए बी सी सीर्स बी पर समकोण है बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी पांच है ए डी तेरह है ए सी सैंतीस है तो डी सी की लंबाई याद कीजिए अब सिंपल सी बात है हमने एक त्रिभुज बनाया दोस्तों यहाँ पर ए बी सी ये त्रिभुज बनाया ये लिखा ए ये लिखा बी और ये लिखा सी बी हमारा समकोण है बी सी पर ध्यान दीजिएगा आप लोग बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर पांच हो जाएगा तो यहां पर आपका डी दे रखा है इस पॉइंट को इससे मिला दी कोई दिक्कत तो बी डी बराबर दे रखा है आपको पांच दे रखा है ए डी का मान आपको दे रखा है ए डी का मान सैतीस दे रखा है ए सी का मान आपको सैतीस दे, दे, दे रखा है अब आपको ट्रिपलेट अब आप लोगों को ट्रिपलेट बताता हूं मैं आपको एक ट्रिपलेट होती है मेरे भाई पांच बारह तेरह की एक मेरे भाई ट्रिपलेट होती है पांच बारह तेरह की और एक मेरे भाई ट्रिपलेट होती है बारह पैतीस सैतीस की अगर तुम्हें यह नहीं पता है तो तुम्हें कुछ नहीं आता फिर अगर तुमको यह नहीं पता कि पांच बारह तेरह क्या है बारह पैतीस सैतीस क्या है तो तुम इस सवाल को लगा ही नहीं सकते हो अब आपको पता है दोस्तों ये मेरा पांच है ये मेरा तेरह है तो ए बी कितना हो जाएगा ए बी का मान बारह हो जाएगा अब आपका ए बी देखो दोस्तों बारह है तो हमें क्या मिल गया दोस्तों ए बी का मान बारह मिल गया ए सी मेरा यहां पर सैंतीस दे रखा है तो BC का मान कितना हो जाएगा तो इस पूरे का मान हमारा हो जाएगा पैतीस हो जाएगा अब पैंतीस में दोस्तों ये मेरा पांच है तो बाकी DC कितना होगा तो बाकी यहां पर आप देख सकते हो DC की वैल्यू आपकी आ जाएगी तीस सेंटीमीटर तो यहां पर आप देख सकते हो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी DC की वैल्यू आपकी तीस सेंटीमीटर आ जाएगी तो यदि आपका आंसर तीस सेंटीमीटर आ रहा है तो बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी वाला बस ये दो बातें याद रखना पांच बारह तेरह और बारह पैंतीस सैतीस सवाल तुरंत लग जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा तीस ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए केंद्र ओ वाले व्रत में बिंदु ए बी सी डी एक व्रत है बी डी व्रत का अभ्यास है बस इतना ही मुझे चाहिए था एक व्रत दिया गया है इसमें केंद्र हमारा ओ रखा है बी डी व्रत का अभ्यास है तो ये हमारा ए होगा और मान लो दोस्तों ये हमारा सी हो जाएगा बी सी डी बी ए सी बी ए हमको दे रखा है बाईस डिग्री दे रखा है अर्धवरत में बनाकोड़ समकोड़ होता है अर्धवरत में बनाकोड़ समकोड़ होता है तो नब्बे में से बाईस घटा दो दोस्तों दस में दो गया आठ सात में दो गया पांच अट्ठावन बचा तो ये कितना आ गया आपका तो ये अट्ठावन करा अड़सठ आएगा आठ में दो गया छ अड़सठ आएगा तो ये कितना हो जाएगा अड़सठ हो जाएगा अब देखो यहां पर COD का माप निकालना है COD अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर पर्धि पर एंगल कितना बन रहा है परी पर एंगल बन रहा है अड़सठ तो केंद्र पर एंगल कितना हो जाएगा तो मैंने आपको पढ़ाया है केंद्र पर बना कोड़ पर बने कोण का दोगुना होता है बच्चा बच्चा जानता है इस बात को केंद्र पर बना कोण परधि पर बने कोण का दोगुना होता है तो COD कितना हो जाएगा एंगल COD बराबर अड़सठ की दो से मल्टीप्लाई कर दो अट्ठे सोलह दो छंग बारह और एक तेरह तो ये आ जाएगा एक सौ छत्तीस डिग्री क्योंकि ये हमारा अड़सठ है तो ये कितना हो जाएगा इसका डबल होगा एक सौ छत्तीस क्योंकि केंद्र पर बना कोण परधि पर बने कोण का दोगुना होता है ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीस डिग्री और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए देखिए दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते रहिए सभी लोग सभी लोग अपनी क्लास को शेयर करते रहिए सभी लोग अपनी क्लास को सपोर्ट करते रहिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है इसको बताइए द प्रिजनर्स आर कैप्ट एट कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस एक ईडीएम होता है दोस्तों कैप्ट अंडर surveillance. एक आपका दोस्तों ईडीएम होता है अगर आपको ईडीएम नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता दूं यहां पर तो मेरे प्यारे साथियों आपका एक ईडीएम होता है द प्रिजनर्स आर kept एट कॉन्स्टेंट surveillance. तो टू कीप अंडर surveillance का मतलब होता है सख्त निगरानी में रखना क्या होता है सख्त निगरानी में रखना तो हमारा आ जाएगा अंडर क्योंकि कीप अंडर सर्विलेंस ये इडियम है और इस ईडियम का मतलब है सख्त निगरानी में रखना ठीक है अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए बहुत बढ़िया सवाल है इसमें आपको ए बी सी डी जो है सिक्वेंस में लगाना है आई हैव ऑलरेडी स्पेंट स्पेंटेड मैं इसे पहले ही खर्च कर चुका हूं चोर ने उत्तर दिया तभी अरुण जो है जोर से कहता चिल्ला के कहता है वॉट आई विल टेक यू टू द पुलिस राइट नाउ क्या मैं तुम्हें पुलिस को दे दू क्या मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दू पुलिस तक ले जाऊं अरुण जो है फिर यहां पर चोर से कहता है गिव मी बैक माई मनी मेरा पैसा वापिस दो तुमने जो मेरा पैसा चुराया है तुमने मेरा जो पैसा चुराया है उस पैसे को वापिस करो तो चोर यहां पर गिड़गड़ा के कहता है चोर हमारा गिड़गड़ा के कहता है सर प्लीज हैव सम मर्सी ऑन मी सर प्लीज कृपया मुझ पर दया करें सर प्लीज हम पर दया करें तो सबसे पहले आपका क्या होगा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा सी आएगा अरुण ने चोर से कहा मेरा पैसा वापिस करो अरुण ने चोर से कहा कि मेरा पैसा जो है वापिस करो फिर चोर उत्तर देता है कि सर मैंने आपका पैसा खर्च कर दिया है मैं आपका पैसा पहले ही खर्च कर चुका हूं फिर अरुण कहता है यहां पर ध्यान दीजिएगा नंबर अरुण चिल्लाकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें जो है पुलिस वाले को सौंपाऊ फिर चोर कहता है सर मुझ पर दया करो गिड़गिड़ाता और कहता है सर मुझ पर दया करो मैं गरीब हूं मैंने मजबूरी में सब किया तो यहां पर आ रहा है सी ए बी डी तो यदि आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सी ए बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट ऑन हायर कार दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई कार है और आप किसी ड्राइवर को जो है प्राइवेट ड्राइवर को अपने साथ रखते हो एज ए एम्प्लॉय उसको हायर करते हो तो उस ड्राइवर को हम ड्राइवर नहीं बोलते उस ड्राइवर को हम शॉफर बोलते हैं शॉफर मतलब होता है आप लोगों का किराए की गाड़ी का चालक सॉफर मतलब क्या होता है किराए की गाड़ी का चालक होता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोफर अब वॉस्ट पॉसिबल फॉर ह्यूमन सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी के लिए बुरी से बुरी संभावना की यहां पर क्या की जा रही है प्रिडिक्शन की, मतलब की जा रही है प्रिडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी की जा रही है दैट क्या कि वी विल डिस्ट्रॉय अवर सेल्फ विद न्यूक्लियर वेपन्स कि हम हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स हमें स्वयं को ही नष्ट कर देंगे तो यहां पर यह बुरी प्रिडिक्शन की जा रही है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रिडिक्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग गलत है रिटेन सही वर्बल सही स्पीच सही मेलोडी सही तो यहां पर कोई भी कोई भी गलत नहीं है तो यहां पर कोई भी आपका गलत नहीं है द आर्ट सॉरी द आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग दोस्तों बोलने की और लिखने की एक बहुत ही शानदार और इफेक्टिव कला इसको क्या बोलते हैं वाकपटुता वाकपटुता इसको इंग्लिश में कहते हैं रेटोरिक तो जिनका भी आंसर रेटोरिक आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा बाकी टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दी है अब मेरी जो अगली क्लास होगी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो छः बजे होगी और छः बजे सीधे आपकी हिंदी की क्लास होगी तब तक के लिए नमस्कार जय बी एस ए जय बी एस ए क्लास और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद वंदे मातरम <coughs>